अब हम क्या करेंगे, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। साइक्लिक में नॉन साइक्लिक के बजाय वही इलेक्ट्रॉन वापस पिगमेंट सिस्टम पर आ जाते हैं। साइक्लिक में एक ही पिगमेंट सिस्टम की जरूरत होती है और वो है पिगमेंट सिस्टम कहते हैं क्योंकि इसका रिएक्शन फैक्टर होता क्या है, जब लाइट पीएस वन में पड़ती है तो ये लाइट इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालती है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे एक्साइट होके, तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहाँ, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे, इनको गेन करेगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन इलेक्ट्रॉनों को ईपीएस के द्वारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा ट्रांसपोर्ट करेगा। ये इलेक्ट्रॉन वापस पिगमेंट सिस्टम में भी आ जाएंगे, जहाँ से चले चले तो वहीं आ जाते हैं। इस ईपीएस में से ए बी पी प्लस पी मिला के ए बी पी बन जाता है, इसको कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। इसमें इलेक्ट्रॉन जहां से चले थे वहीं वापस आए हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में चल के, इसको हम कहते हैं साइक्लिक। ये प्रोसेस साइक्लिक है, यहां से इलेक्ट्रॉन चले पीएस वन में वापस पीएस वन पे आ गए, पीएस वन इलेक्ट्रॉन पीएस वन को ही मिले हैं, जहां से इलेक्ट्रॉन चले वहीं वापस आए हैं। ये इलेक्ट्रॉन 700 से ऊपर स्टेशन से निकले हैं और ये इलेक्ट्रॉन वापस यहीं आए हैं ट्रांसपोर्ट चेन के रूप में, जिसको हम कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। थोड़ी सी जानकारी साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में बदल आपने पढ़े कम करेंगे।
इसमें प्रोटॉन का संघनन होता है,
कंसंट्रेशन में बहुत ज़्यादा है, इसमें अंदर की ओर कंसंट्रेशन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी यहाँ पर है मेम्ब्रेन में एटीएस है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन एटीएस मेम्ब्रेन में है एटीएस। अब क्या होगा, यहाँ प्रोटॉन कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जब ये प्रोटॉन एफ जीरो एफ वन कॉम्प्लेक्स में आएंगे तो यहाँ से कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट की वजह से ये इसको पार करेंगे, इस चैन को पार करेंगे, यहाँ से ये प्रोटॉन यहाँ आएगा, कंसंट्रेशन कम आएगा, ज़्यादा से कम क्यों आएगा, कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट, जब ये ज़्यादा से कम आएगा इस एटीपी सिंथेसिस एफ वन एफ जीरो कॉम्प्लेक्स में ए बी पी प्लस पी मिलके बनाएंगे एटीपी। इसमें वो ये पास करेंगे तो ये इसमें कोई एटीपी एटीपी बनेंगे तो ये बना देगा एटीपी प्लस पी एटीपी सिंथेसिस बना देगा एटीपी। ये एटीपी सिंथेसिस यहाँ हो जाता है कैनवेस के हाइपोथेसिस में। दूसरा, यहाँ से
इंदार कलेक्शन में लर्निंग कैरियर में दे बी द इंपॉर्टेंट रिसर्च एक्सपेरिमेंट फॉर द डिस्कवरी ऑफ फेट ऑफ ऑटो फेट ऑफ सीओ टू सीओ टू कैसे मिक्स होती है इसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया एंड आफ्टर मैनी एक्सपेरिमेंट वे फाउंड दैट द सीओ टू इज टेकन बाय द सीओ टू एक्सेप्टर एंड दिस सीओ टू एक्सेप्टर इज आर यू बी पी मैंने Here, the first stable compound is PGA, that is a three carbon of the cycle given by Kelvin, known as Kelvin cycle. Or C3 cycle. Here, CO2 acceptor is